Hello, class 7th. Very, very good afternoon. How are you all? I hope सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. चलिए, in previous class we were discussing about the physical and chemical change. जिसमें भाई आप लोग का कहना था कि साहब ये NCERT की किताब थी सर. चलिए, आपके पास आई होप कि अभी ये बुक आ गया होगा, सभी के पास अवेलेबल होगा. और जिनके पास अवेलेबल नहीं है, दे मस्ट बाई फ्रॉम द स्कूल, ओके, काउंटर. ओके, चलिए हम देखते हैं अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, जिसको हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना. तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, वेट, चलिए, एम हमारा क्या है एक्टिविटी वन का, टू क्लासिफाई द गिवन चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल. ठीक है, इन विच द पॉइंट ए इज डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वॉटर. वॉटर में जो सुगर का सोल्यूशन है वो डिसोल्यूशन हो. ठीक है, बी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना, शादी विवाह में देखते हैं एक रिबन टाइप का रहता है वो, दैट इज एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन होता है जो जलाया जाता है. बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ प्लेटिनम वायर. ठीक है बच्चों, चलिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं. फर्स्ट कहता है कि चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, है ना. क्या कह रहा है कि जो वो परिवर्तन जिसमें कोई नया सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म नहीं होता उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं. और ये रही बात फिजिकल और केमिकल चेंज की, तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा. ठीक है, तो इसमें आप लोग पहले प्रिपेयर्ड हो जाइए, पढ़ना क्या है उसके बारे में आप जानेंगे. ठीक है, चलिए, फॉर एग्जाम्पल टियरिंग ऑफ पेपर, डिसोल्यूशन ऑफ सुगर एंड साल्ट इन वॉटर, ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ये सारे चीजें क्या है आपके एग्जाम्पल के तौर पे फिजिकल चेंजेस है, है ना. जैसे में पेपर का फाड़ना, सुगर का डिसोल्यूट होना एंड साल्ट का भी, और ग्राइंडिंग सब्सटेंसेस का, ग्राइंड का. इसमें कोई नया सब्सटेंसेस नहीं पाया जा रहा है. लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू, दैट इज योर केमिकल चेंजेस की, तो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. ठीक है, मतलब कि वो परिवर्तन जिसमें कुछ नया फॉर्म हो, नया उसका रिजल्ट निकले, उसे हम रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेस कहते हैं. ठीक है, रासायनिक परिवर्तन. फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फूड, है ना. डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कि आप जब खाना खाते हैं पचता है तो उसका कुछ अलग सब्सटेंस होता है, और फूड का पकना, है ना, राइपनिंग ऑफ फूड्स. चलिए, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, है ना. फिजिकल चेंज जो भौतिक परिवर्तन होता है वो रिवर्सिबल होता है, दैट इज ओरिजिनल सबस्टांस कैन बी रिकवर्ड बैक. ठीक है, ओरिजिनल जो सबस्टांस होता है वो फिर से रिकवर्ड हो जाता है. लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है. अ केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे. रिवर्सिबल क्या होता है आपका फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल क्या होता है बच्चों यहाँ पे केमिकल चेंज. ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वॉटर की, है ना. ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा चेंज होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सुगर इन वॉटर, ये कौन सा हो जाएगा बच्चा, आप लोग बताइए इसका. अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो डिसोल्यूशन ऑफ जो शुगर होगा वो आपका फिजिकल चेंज के अंदर आएगा. तो हम इसमें अपैरेटस और मटेरियल्स की बात करें, क्या क्या चीजें चाहिए, अपैरेटस एंड मटेरियल्स. पहला तो आपको डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, बीकर, शुगर, ट्राइपोड स्टैंड एंड बर्नर, इतनी चीज आपको चाहिए. उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा प्रोसीजर की. फर्स्ट वन इज फिल अ बीकर अप टू हाफ विथ डिस्टिल्ड वाटर. बीकर को आधा जो है डिस्टिल्ड वाटर से भर देना है.
नाउ ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू इट, उसके बाद छोटा मतलब थोड़ा सा थोड़े मात्रा में उसमें शुगर डाल देना है। उसके बाद स्टियर द मिक्सचर विथ अ ग्लास रोड, और ग्लास रोड से उसको क्या करना है, मिक्स कर देना है डिस्टिल्ड वाटर में शुगर का अमाउंट को, शुगर के अमाउंट को। चलिए पॉइंट टू क्या कहता है, व्हेन शुगर क्रिस्टल्स आर नो लॉन्गर विजिबल ऐड सम मोर शुगर एंड स्टियर द मिक्सचर। उसको तब तक से स्टियर करते रहना है, घुलाते रहना है जब तक से कि जो क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के वो घुल ना जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कुछ और शुगर डालिए उसमें मिक्सचर में। थर्ड, नाउ हीट द मिक्सचर ओवर बर्नर यूजिंग अ ट्राइपोड स्टैंड। ट्राइपोड स्टैंड जो होता है उसपे आप मिक्सचर को क्या करना है, हीट करना है। कंटिन्यू एडिंग शुगर अंटिल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेंड एंड नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। और तब तक से इसको हीट करते रहिए जब तक से ये क्या हो जाए, डिसॉल्व ना हो जाए सारा सॉल्यूशन, ठीक है। और उसमें से अब इतना तब तक उसको हीट करिए जब तक से वो जो है पूरा तरह से इसमें जो और चीनी की मात्रा न पड़ सके, ठीक है। फोर, नाउ स्टॉप हीटिंग एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल। और अब गर्म करना बंद करिए, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको छोड़ देना है कुछ देर के लिए ताकि वो जो मिश्रण है वो ठंडा हो जाए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे, आफ्टर अबाउट वन आवर शुगर क्रिस्टल्स आर ऑब्जर्व एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और कुछ घंटों बाद, लगभग एक घंटे बाद, शुगर क्रिस्टल फिर से जो है आप देख सकते हैं बीकर के बॉटम पे, ठीक है बच्चों। ये देख सकते हैं ये प्रोसीजर है आपका, क्लियर है। चलिए इसका रिजल्ट की हम इसकी रिजल्ट की बात करते हैं अगर हम, तो द शुगर क्रिस्टल्स विच हैड डिसॉल्व इनटू वाटर ऑन हीटिंग आर रिकवर्ड बैक ऑन कूलिंग, दस द ओरिजिनल सबस्टांस हैज बीन रिकवर्ड, हेंस द डिसॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को भी पढ़ेंगे इन द, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ये ध्यान में देखना होगा कि आपका फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है, और केमिकल चेंज क्या है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखेंगे और चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लास्ट में करते जाएंगे, ओके। और अपने फेयर कॉपी को आप लोग चेक कराइएगा, ओके। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।